जांजगीर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना हो रही है। इस बार चोरों ने खोखरा गांव के शीतला मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर के गेट को तोड़कर चोरों ने दान पेटी में रखे 2500 रुपए और माता के मुकुट चूड़ी की चोरी की है। मंदिर में चोरी की घटना के बाद मौके पर एडिशनल एसपी अनिल सोनी पहुंचे और चोरी के संबंध में जानकारी ली। बाद में डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची। मामले में साइबर टीम द्वारा भी जांच की जा रही है। फिलहाल मंदिर में चोरी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है। इससे कोतवाली पुलिस की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। एडिशनल एसपी अनिल सोनी ने कहा है कि मंदिर में चोरी के मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। थाना जांजगीर के खोखरा ग्राम में भी अज्ञात चोरों द्वारा शीतला माता का मंदिर है, उसमें से चांदी के 2 मुकुट और चांदी के 4 चूड़ियां और दान पेटी में रखा हुआ करीब 2500 रुपये नकदी को चोरी करके ले गए। ये मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और इसमें साइबर की टीम लगाई गई है, साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। जो आरोपी अज्ञात चोर हैं, आरोपी हैं, उसकी पतासाजी के लिए और साथ ही जो चोरी किए गए सामान और नकदी रकम है उसकी पतासाजी के लिए।